इस मट्टी से हमारी शान है, शान है। ये चांद सितारा हमारी जान है, जान है। इस वतन की खुशबू से सब हैरान है, है। ये पाक जमीन अल्लाह की शान है, है। सब कुछ दांव पे लगाएंगे, हर मुश्किल से लड़ जाएंगे, जब जीत के बाजी आएंगे नारा ही एक लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 6 सितंबर सन 65 पाकिस्तान की तारीख का दिफा के हवाले से इंतहाई अहम दिन है। इसी दिन भारतीय फौजों ने नाकाम अजायम के साथ रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सरहदों पर पाकिस्तान पर हमला किया था। उनके अजायम ये थे कि यहाँ से सिंध से कराची को फतेह करना और लाहौर को फतेह करना, लेकिन उन सारे अजायमों को ख़त्म करना और उनको पीछे हटाने में पाकिस्तान फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान फ़ौज के जवानों का किरदार है, लेकिन साथ साथ में पीसा पगारों के हुरफोस का बहुत बड़ा किरदार भी साथ रहा है। इस सहराए थर की पट्टी को जिसको 1200 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं, यहाँ पर पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ने वाले ये हुर मुजाहिद फौज है और हम इस वक्त खुश नसीब है कि 120 साल की उम्र में भी एक गाजी मौजूद है जिसका नाम मुबारक महर है। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने दुश्मनों की फौज को किस तरह भगाया, और असल बात भी ये है कि उनका हथियार वो बंदूक अभी तक उनके पास है। चाचा इंडिया की फौज के कितो भजायो वा की विड़या असा साई हथियार दा असा उठ बंदूक कोई फसा उन्होंने के भजाया ये ने तर के उन्होंने के जाम असा भजाया ऊपर रेफल जब बंदूक को आनी उन्होंने के भजाया उन्होंने नारा वडा है पीर पगार जा को असा उन्होंने के भजा चार पांच किलो असा फते गया एकरो 5 किलो घुमोड़ा बे भी तमाम हुर जाम सब कपनी हुरन जो सब तैयार हुआ अज भी तैयार हूँ 12 बजे अज भी तैयार हूँ। जी बिल्कुल, 120 साल के इस गाजी का जज्बा इतना ही जवान है, और नौजवानों को अपने आने वाली नस्लों को भी ये कहा है कि जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो ये हुर मुजाहिद पीसा पगारों की फौज शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़ी होगी। जी